उत्तर प्रदेश के बरेली से यूपी पुलिस की मानवता की मिसाल पेश करने वाली एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बरेली के सुभाष नगर पुलिस ने एक ऐसे मृत व्यक्ति को कांधा दिया जिसके घर में उसे कोई कांधा देने वाला नहीं था। इतना ही नहीं, परिवार में गरीबी का वह मंजर था कि माँ और पत्नी के पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने बेटे और पति का अंतिम संस्कार भी कर सके। परिवार की हालत देखकर सुभाष नगर पुलिस ने न सिर्फ मृतक के अंतिम संस्कार का खर्चा उठाया बल्कि उसे कांधा भी दिया। तो वहीं मृतक की माँ ने स्टेशन रोड स्थित एक दुकानदार पर पिटाई करने की वजह से मौत होने का आरोप लगाया है, जिसमें पुलिस ने SC ST में मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। दरअसल 18 नवंबर को सुभाष नगर के तिलक कॉलोनी में रहने वाले नरेश कश्यप अपनी मां पार्वती से कुछ पैसे मांगने के लिए स्टेशन रोड स्थित एक होटल में गया था। उसकी मां उसी होटल में काम करती है। आरोप है कि नरेश अपनी मां का इंतजार करते हुए गुप्ता पनीर वाले की दुकान के चबूतरे पर जाकर बैठ गया, जिसके बाद उसके मालिक संजय और उसके भाई ने नरेश को जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज की और उसके साथ मारपीट भी की, जिसके बाद नरेश की हालत में सुधार नहीं हुआ और 26 नवंबर को उसकी मौत हो गई। नरेश के परिवार में उसकी विधवा माँ और पत्नी और दो छोटे बेटे हैं। मृतक नरेश के परिवार में गरीबी का वह मंजर है कि उसके परिवार को दो वक्त की रोटी का गुजारा करने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में नरेश की मौत के बाद परिवार बुरी तरह से टूट गया। मां के पास बेटे को कफन लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में सुभाष नगर पुलिस ने नरेश के अंतिम संस्कार का पूरा खर्चा उठाया और साथ ही उसे कंधा देकर शमशान घाट भी पहुंचाया, जिसके बाद मोहल्ले के लोग भी सुभाष नगर पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं इस बारे में सुभाष नगर थाने के इंस्पेक्टर नरेश कुमार कश्यप ने बताया कि पीड़ित परिवार के पास ना तो अंतिम संस्कार के लिए पैसे थे और ना ही उनके परिवार में कोई उसे कंधा देने वाला था। मृतक के दो छोटे बेटे थे जो कंधा नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने मोहल्ले वालों की मदद से मृतक को कंधा देकर शमशान घाट पहुंचाया और उनके अंतिम संस्कार का खर्चा भी